इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बेसिक सैलरी शीट कैसे बनाएंगे। बेसिक सैलरी से लेकर एडवांस सैलरी तक हम बताएंगे कि कैसे एडवांस तक बनता है। तो सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपकी जरूरत पड़ेगा, आप क्या करेंगे, पहले यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसे मर्ज कर लेंगे। यहाँ से मर्ज करने के बाद इसमें हम लिखेंगे सैलरी सैलरी शीट, ठीक है। अब लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें स्टाइल ओवर लगा देते हैं, यहाँ से हम अलाइनमेंट ले लेंगे, अब बोल्ड कर लेते हैं और इसमें हम ले लेते हैं इसका साइज, ये वाला एरियल ब्लैंक, और इसमें से इनका साइज इंक्रीज कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं येलो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले होता क्या है आपका, इसमें होता है एम्प्लॉय आईडी होता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका आईडी नंबर होता है, या सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास आईडी नंबर है तो आईडी लिख देंगे, तो हम लिखेंगे EMP एम्प्लॉय आईडी, और इसमें होता है एम्प्लॉयज नेम होता है, जो भी नेम होगा एम्प्लॉयज नेम होता है इसमें, यहाँ उनका हम नाम प्रेस कर देंगे, यहाँ नेम लिखेंगे, और उसके बाद से आता है डिजिग्नेशन होता है, यानी कि कौन से पद पे हैं, वो जो पद नेम लिखा जाता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिजिग्नेशन होता है हमारा। अब इसके बाद से आता है आपके यहाँ से सीरियल नंबर हम देंगे, एक डेट होता है जो कितने दिन तक वो काम किया है व्यक्ति, उसमें प्रेजेंटिव वगैरह डालने के लिए होता है, कितने दिन अटेंड किया कितने दिन नहीं किया, उसके लिए हम लिखेंगे इसमें डेट। तो डेट के लिए हम लिख लेते हैं सिंपल, 1 प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करके यहाँ 2 प्रेस कर लीजिए। अब इसे क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे हम ड्रैग कर देंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ ले लेते हैं मिनिमम ले लेते हैं 15 डे का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 15 दिन तक हो गया हमारा, इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा इसका सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया में हमको लेना है सेलेक्ट कर लेंगे उतना, और क्या करेंगे बॉर्डर लगा लेंगे, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर प्रेस कर देते हैं और सेलेक्ट करेंगे सेम, और अलाइन कर लेंगे इसे सेंटर, इसका थोड़ा खींच कर यहाँ से लाएंगे ऊपर तक, इसे कर लेंगे थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करके और थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे, और टोटल ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से तक सेलेक्ट करेंगे, इसमें ऐसे जब डबल तीर आ जाए तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा इस पर। अभी हो गया एडजस्ट, अपने अनुसार आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, फटाफट एडजस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद से होता है इसमें हमारा होगा, पहले होता है हमारा प्रेजेंट डे, यहाँ हम प्रेस लिखेंगे प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे हमारा होगा यहाँ, इस उसके बाद से आएगा अब्सेंट डे आ जाएगा, अब्सेंट डे, हाफ डे भी होता है आपका, हाफ डे भी ले लीजिए, हाफ डे ले लेंगे। उसके बाद से अब ले लेंगे हम टोटल डे, टोटल डे, ठीक है। टोटल डे के बाद से आपका आता है यहाँ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद से आपका आ जाएगा जी, आप बेसिक सैलरी के बाद से आता है पर डे सैलरी, यहाँ डालेंगे हम पर डे सैलरी के बाद से आ जाता है आपका हाउस रेंट, इसमें लिखेंगे हम हाउस रेंट, हाउस रेंट हो गया हमारा, हाउस रेंट के बाद से आता है हमारा टोटल सैलरी, टोटल सैलरी। अब इसमें हम थोड़ा इसमें भी हम लगा लेंगे बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं, अच्छे तरीके से हम बॉर्डर लगा लेंगे इसमें, यहाँ तक बॉर्डर कर दिए हैं,
बॉर्डर, ओके। अब इसे भी हम ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे और इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारा इतना एडजस्ट हो गया। इस पर थोड़ा हम कलर दे देते हैं, इसका के लिए कुछ दे देंगे, इसमें से हम फिल कलर कर देंगे, ये कलर हमारा अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं, ये कलर ले लेंगे। अब इसका टेक्स्ट जो कलर है, टेक्स्ट कलर वाइट ले लेते हैं हम, इसमें वाइट अच्छा दिखेगा, हो गया हमारा। अब लिखते हैं इसमें हमारा जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा, इसमें हम आईडी वो लिख लेंगे जितना आईडी होगा हमारा, जैसे हम यहाँ सीरियल नंबर प्रेस कर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय आईडी सीरियल नंबर है। अब दोनों को इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इससे ड्रैग कर देंगे, आपका जितना चाहिए उतना ले लेगा। एम्प्लॉय नेम लिख लेंगे इसमें कुछ, अब इसमें डिजिग्नेशन में फॉर नेम लिख देंगे, जैसे हमारा ये है स्टाफ है तो स्टाफ लिख देंगे, और जो भी होगा वो लिख देंगे, जहाँ स्टाफ है तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टाफ, स्टाफ लिखेंगे। हमारा ये है नितेश जी, हमारा टीचर है तो टीचर लिखेंगे, टीचर। स्टाफ नंबर लिख लेते हैं, टोटल इसमें लिख लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम लिखेंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे हम, यानी कि परसेंटेज में हम फिल कर देंगे, जैसे हम डाल दिए कहीं ए डाल देंगे, कहीं पी डाल देंगे, कहीं पी, और इसमें एब्सेंट भी डाल देंगे, इसमें पी पी कर लीजिए आप, ड्रे कर लेंगे, ठीक है, इसमें ड्रे कर लेंगे। कहीं कहीं हम एच भी प्रेस कर दे रहे हैं आपका, इसी तरह से आप ड्रे कर लीजिएगा जल्दी से। लगाएंगे प्रेजेंट का फॉर्मूला, प्रेजेंट कितना दिन हुआ है कि हमको काउंट करके इसमें लाना है, तो लगाएंगे फॉर्मूला इसमें इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ और फॉर्मूला आ गया, टैब प्रेस करके चालू कर लीजिए। अब पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हम लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं टोटली, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस एरिया से हमें निकालना है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी इसमें मिस्टेक हो रहा है, पूरा हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे हम टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद से इसमें निकालना है, जो भी आप निकाल रहे हैं उसके लिए हम कम अप प्रेस करते हैं, क्रिएट एरिया में हम डालते हैं क्या आप निकालना चाहते हैं, क्या उसमें से छान के निकालना है, यानी कि आपको निकालना क्या है, तो डबल कोट के अंदर हम पी लिखेंगे, या चाहे तो पूरा प्रेजेंट लिख सकते हैं, डबल कोट लगा के बंद कीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, आपका टोटल ये निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट डे कितना होगा, ये व्यक्ति आपका प्रेजेंट डे आपका 13 दिन है। उसी प्रकार से हमको निकालना है अब्सेंट, निकालना है तो इक्वल लगेंगे अब्सेंट के लिए लिखेंगे इसमें काउंट इफ, सेम फॉर्मूला लिखेंगे काउंट इफ, टैब प्रेस करके रेंज पूछ रहा है, फिर रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, वही रेंज सेम सेलेक्ट करेंगे, कम अप प्रेस करके डबल कोट लगाएंगे, और इसमें हम निकाल रहे हैं अब्सेंट, तो ये प्रेस करेंगे इसमें डबल ए और डबल कोट लगा के ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, आपका निकल जाएगा। ये हाफ डे के लिए भी सेम लगाएंगे, काउंट इफ, काउंट इफ, और टैब प्रेस करके फॉर्मूला रेंज सेलेक्ट करेंगे अपना, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करने के से पहले इसमें हम लगाएंगे सेलेक्ट, रेंज सेलेक्ट हो गया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद से हम लगाएंगे कमा डबल कोट, इसमें हम हाफ डे कर रहे हैं तो एच प्रेस करेंगे, अब ब्रैकेट बंद करेंगे डबल कोट लगा के। अब उसके बाद से इसमें ध्यान देना हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, जितना हाफ डे आया है टोटल क्या करें, जोड़ के एक कर दे हमके एक जगह दिखाई, यानी कि हाफ डे अब एच 10 जगह होगा, मान लीजिए 10 जगह एच है तो वहाँ आपको 10 एच आ जाएगा इसमें, यानी कि हाफ डे 10 हो जाएगा। उसके लिए हाफ डे जोड़ के हमको क्या करना है, एक दिन बनाना है, तो क्या करेंगे इंटू लगाएंगे, इंटू लगा के इसमें करेंगे क्या, हम 0.5 लिख देंगे,
और इंटर कर देंगे, हमारा इतना इक्वल के आ जाएगा। देखिए आपका 0.5 डे ही इक्वल है इसमें, जब हम दूसरा चेंज करेंगे, जैसे एक और हाफ डे दिए इसमें सिंगल हाफ डे था इसमें, इसलिए आपको 0.5 दिखा रहा है। अब इसमें हम एच प्रेस करके इंटर किए तो देखिए आपका दो दिन का हाफ डे जोड़ कर क्या कर दिया, एक दिन बना दिया है। यानी कि जब दो बार आप दो दिन आप हाफ हाफ ड्यूटी करेंगे तो उसमें जोड़ के एक आठा दिखा दिया जाता है, ये आपका इतना दिन हुआ। अब टोटल डे के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल, टोटल डे के लिए क्या करते हैं हम लोग प्रजेंट डे प्लस हाफ डे को जोड़ लेते हैं और इंटर प्रेस कर देंगे। बेसिक सैलरी अपने मन से रखा जाता है, जितना भी बेसिक सैलरी रखना है आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे हम ले लिए 10,000 ले लेते हैं। और इसमें पर डे सैलरी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इक्वल प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और भाग देते हैं हम किससे, लास्ट डेट से भाग देते हैं, जो भी आपका मंथ के लास्ट डेट होता है उससे हम भाग दे देंगे। यहाँ हमारा 15 है तो 15 सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल संख्या कम करने के लिए यहाँ से हम कर देंगे कम। ठीक है, हमारा इतना रहे और उसके बाद से आ जाते हैं हम टैप प्रेस करके यहाँ से। अब हाउस रेंट, हाउस रेंट के लिए लगाएंगे इक्वल हाउस रेंट के लिए और बेसिक सेलेक्ट करेंगे, इसमें इनटू लगाएंगे और हाउस रेंट आपको कितना परसेंट काट रहा है कंपनी उसके लिए आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, या तो ये अलग भी फॉर्मूला इसका यूज होता है जिसके ऊपर कितना आपको काटना होता है काट सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा कंपनी कट रहा है 10% हाउस कट रहा है हाउस रेंट, इसमें क्या करेंगे हम 10 लिख देंगे और परसेंटेज लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, आपका टोटल जुड़ के हाउस रेंट निकल जाएगा इसमें। उसी प्रकार आप इसमें आ जाइए टोटल सैलरी के लिए लगाएंगे इक्वल, अब क्या करेंगे हाउस रेंट आपको निकल गया, इसमें हम क्या करते हैं टोटल डे से गुणा कर देंगे हाउस रेंट के लिए। तो यहाँ हम बेसिक सैलरी यहाँ सॉरी पर डे सैलरी सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम इंटू करेंगे, इंटू किससे करेंगे टोटल प्रेजेंट डे से हम इंटू कर देंगे, हमारा टोटल सैलरी निकल जाएगा इतना होगा आपका। ठीक है, अब इसी प्रकार से सबको क्या कीजिए आप डबल क्लिक करते जाइए, इसमें आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस कर दीजिए, वैसे ही डबल क्लिक करते जाएंगे यहाँ से आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा इस सेल में। और इसे भी हम इसे थोड़ा चेंजिंग कर देंगे, कहीं 10,000-20,000 दे देते हैं। चेक कर देंगे आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा इसमें, जब चेंज कर देंगे कहीं सबका फिल हो गया। ये रहा आपका सैलरी शीट, ऐसे बेसिक सैलरी शीट आप बना सकते हैं, इसी प्रकार से बेसिक सैलरी शीट बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।